बार ऐसा होता है कि लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अंतिम जो पड़ाव होता है डिलीवरी से जस्ट पहले आठवां या नौवां महीना उस दौरान भी हो जाता है मिसकैरेज, वो क्यों होता है? बेटा इसके बोलते हैं 8-18 की बीमारी, समझे? 8 नंबर ये शनि का होता है, 18वां साल ये शनि का होता है, और जब भी जन्म कुंडली के अंदर शनि किसी भी तरह से खराब हो या खराब कर लिया जाए, अब ये होता कैसे है, शनि अगर पांचवें घर के अंदर बैठे हुए हों तो इनके लिए खास तौर पे कहा जाता है कि अगर दो पुत्र हो गए तो मकान बना तो एक ही बचेगा, ये चीज़ भी कही जाती है। लेकिन जब ये शनि का संबंध किसी न किसी, चाहे दृष्टि के रूप में, चाहे स्वयं बैठे हुए हों ये पांचवें घर के अंदर किसी भी तरह से, और वो खराब हों, तो बेटा जैसे ही प्रेगनेंसी आठवें महीने के आसपास, यानी कि कईयों को सातवां है और कईयों को आठवें महीने में इसके आसपास पहुंचती है, वैसे ही बच्चा अपने आप कहता है खराब हो जाता है। सबसे पहले तो वो 500 ग्राम साबुत बादाम लेकर के मंदिर में चढ़ा दे, चढ़ा के अच्छी तरह से परमात्मा को प्रणाम करके उनसे एक तरह का आशीर्वाद मांगना है कि मेरे को प्रभु औलाद का सुख दे, और अंदाजे से आधे उठा करके घर पे लेके आए, और पूरा या टिन का डिब्बा हो या लोहे का डिब्बा हो उसके अंदर बंद करके ढक्कन लगा के किसी अंधेरी जगह पे रखना है जहाँ सूरज की रोशनी सीधी ना पड़ती, वहाँ रखे, और ये तब तक रखना है जब तक बच्चा ना हो जाए, समझ गए, और बच्चा होकर के जब तक 3 महीना पार ना कर दे तब तक, उसके बाद उठा के इनको जल प्रवाह कर देना है, डिब्बा भी वहीं फेंकना है। एक तो ये, दूसरा बेटा यहाँ पर अब शनि के खास कर कौन होते हैं, कौए जो होते हैं वो शनि के कारक, भैंसा शनि का कारक, मजदूर शनि का कारक, और सांप भी होते हैं, क्योंकि सरकार ने मना किया हुआ है तो ठीक है हम उसका जिक्र नहीं करते, ठीक है। तो अब करना क्या है, कौओं को रोज कुछ ना कुछ खाने को देना, मजदूरों के लिए हफ्ते के अंदर एक बार कुछ ना कुछ खाने को बनाना और उनको खिलाना, और समय समय के ऊपर जा करके जो भी भैंसा, आप उसके मालिक से पूछ सकते हैं कि जो भी शौक से खाता हो, ठीक है, उसको वो खिलाना और उसके शरीर के ऊपर हाथ फेर किया, और आते हुए बेटा उसके जो मालिक है उसको चारे के लिए कुछ दक्षिणा स्वरूप थोड़ा बहुत कुछ भी दे करके आना, ये थोड़े दिन करके देखो, इससे शनि देव प्रसन्न मुद्रा में आ जाएंगे और वो पाप को त्याग देंगे, ठीक है, उसके बाद औलाद आने में कोई विघ्न नहीं बचेगा। तो इससे पहले आगे बढ़े हमारे साथ कुसुम सैनी जुड़ गई हैं नई दिल्ली से। कुसुम जी, गुरुदेव से सवाल पूछने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए। ये मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था मैम जी, हाँ जी, इसका डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 2008। समय और स्थान भी बता दीजिए। नई दिल्ली जी। समय समय था इसका 2:30 बजे, ढाई सुबह के नहीं रात के। जी क्या पूछना चाहती हैं आप अपनी बेटी के लिए कुसुम जी? ये पता है थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी रहता है, थोड़ा पढ़ने में भी ना वो है, कम है, कमजोर है पढ़ने में भी। बेटा इसके पैदा होने के बाद आप लोगों ने मकान बदला है क्या? हाँ जी। और तुम्हारी सेहत का और गुस्से का क्या हाल है? हाँ जी। तुम्हारी सेहत और गुस्से का क्या हाल है? सेहत तो मेरी खराब ही है और गुस्सा, मुझे गुस्सा भी आता है। बेटा ये तो चलो जैसा है ये ठीक ही है, लेकिन इसकी कुंडली का एक योग है जो माँ के स्वास्थ्य को बिगाड़ता जाएगा, और माँ को जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खाम खाएं की बातें सोच करके बोलने की आदत पड़ जाएगी, जिसकी वजह से घर के वातावरण हिला रहेगा, ये योग भी है इसकी कुंडली के अंदर। लेकिन तुम दिल की बहुत अच्छी रहोगी, ये भी बात 100% सत्य है। दूसरी बात बताता हूँ तुम्हें, ये आज का समय जैसा मर्जी है, कारण ये कि इसके ऊपर राहु की दशा चल रही है, और राहु बैठा ही चौथे घर के अंदर है जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन को खराब करता है, क्योंकि इसका साथ बृहस्पति और शुक्र आ गए, जिसकी वजह से ज्ञान और शरीर का जोश ये दोनों के ऊपर ये अटैक मार गया। ये उपाय से हम ठीक कर लेंगे, ठीक है, ये
लेकिन इसके अलावा मैं तुझे एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ कि तेरे बच्चे की कुंडली के अंदर एक बड़ा अद्भुत योग है। हमारे लाल किताब में कहा जाता है कि नौवें घर से बादल चलते हैं, दसवें घर से वो पानी भरते हैं और दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके वर्षा करते हैं और फसल पैदा होती है चौथे घर, यानी कि 9, 10, 2 और 4। ये घर इसके भरे होने के कारण भविष्य के अंदर तेरा ये बच्चा बहुत अच्छा कामयाब होगा। ये बात तो लिख के रख ले अपने पास, इसलिए तेरे को डरने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात एक और कि इसका शनि भले ही सिंह राशि का, लेकिन लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ बेटा ये भी सुख देने के लिए बैठा है। खास तौर पे इस बच्चे की ऊंचाई इसकी 36 साल के उम्र के बाद देखना बहुत टॉप की जाएगी, ठीक है। और ये वाकई में लोहे लंगड़ का स्वामी भी बनेगा और घर पर आए हुए को हर तरह से खुश करके भेजने वाली हैसियत का मालिक बनेगा, ठीक है। शर्त एक है कि तेरे घर के अंदर या इसके दादा के घर के अंदर जो पश्चिम दिशा की तरफ जो अंधेर कोठरी बनी हुई है, स्टोर रूम बना हुआ है, भूल के भी कभी उसको तोड़ के उसके अंदर रोशनी नहीं करनी, इस बात का खास ख्याल रखना बस, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं छोटा सा उपाय बेटा, और वो क्या है कि हर बृहस्पतिवार को सतनाजा दान दे दो, बात खत्म, ठीक है। और 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के जल प्रवाह कर दो, क्योंकि अभी ये छोटा है। और एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के उसको घर की नींव के अंदर दबा दो, इससे फालतू उपाय करने की अभी जरूरत ही नहीं है। और भविष्य इसका मैंने तुम्हें पहले बता दिया, अभी इसके ऊपर जो राहु की दशा है बेटा ये 2030 तक रहेगी, और 2030 जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद मकानों के सुख, घर के सुख, गाड़ियों के सुख, इसकी अच्छी बुद्धि के सुख, सब कुछ बड़े उत्तम हो जाएंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, ये थोड़े से उपाय कर, दाता सब कुछ बड़ा सुख में करे।